कि वर्ल्ड अफेयर यूट्यूब चैनल जैसा यानी कि प्रशांत सर जैसा वीडियो में वर्ल्ड मैप कैसे दिखा सकते हैं। तो दोस्तों प्रशांत सर जो अपनी वीडियो में वर्ल्ड मैप दिखाते हैं उसके लिए दोस्तों वो एक सॉफ्टवेयर यूज करते हैं जिसका नाम है गूगल अर्थ प्रो। ठीक है, वो आपको पहले अपने पीसी में डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड कैसे करना है चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले आपको गूगल क्रोम ओपन कर लेना है। गूगल क्रोम ओपन होने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको टाइप करना है गूगल अर्थ प्रो डाउनलोड, इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों आप गूगल में गूगल अर्थ प्रो डाउनलोड लिख करके सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपको एक वेबसाइट नजर आएगा। ठीक है, इस पे आपको क्लिक कर लेना है। गूगल अर्थ वर्जन लिखा होगा, इस पे आपको क्लिक कर लेना है। ठीक है, देन दोस्तों आपको सामने यहाँ पे जो है तीन ऑप्शन आते हैं। पहला आता है कि गूगल क्रोम एक्सटेंशन डाउनलोड करना है या आपके मोबाइल के लिए जो है एप्स डाउनलोड करना है या लैपटॉप के लिए जो है आपको डेस्कटॉप वर्जन वाला जो है आपको सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है। इसका लिंक दोस्तों मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से भी दोस्तों आप क्लिक करके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये सारी चीजें आप देख लेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सेप्ट एंड डाउनलोड, इस पे आपको क्लिक कर देना है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि गूगल अर्थ प्रो का जो एप्लीकेशन है वो मेरे पीसी में डाउनलोड हो गया है। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ से दोस्तों आपको इसे ओपन कर लेना है। ठीक है, जैसे दोस्तों हम बाकी सभी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं उसी तरह से दोस्तों आप इसे भी अपने पीसी में इंस्टॉल कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि इसे कैसे यूज करना है। ठीक है, बहुत ही सरल है। तो देखिए ये हमारा जो है इंस्टॉलेशन भी कंप्लीट हो गया है, यहाँ से हम इसे क्लोज कर लेते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आप सबसे पहले क्या करेंगे, गूगल अर्थ प्रो सॉफ्टवेयर को अपने पीसी में डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, इस पर डबल क्लिक करके इसे ओपन कर लेना है। तो दोस्तों ये जो सॉफ्टवेयर है गूगल अर्थ प्रो, इसी के थ्रू दोस्तों आपको प्रशांत सर अपने वीडियो में वर्ल्ड मैप दिखाते हैं। ठीक है, जैसे कि दोस्तों यहाँ पे मुझे ये देखिए, ये पूरी धरती है। ठीक है, पूरा वर्ल्ड है। अब इसमें आपको जैसे कि देखना है कि इंडिया कहाँ है, यहाँ पे दोस्तों आप सर्च कीजिए इंडिया, INDIA इंडिया, और एंटर कर दीजिए। ठीक है, या तो दोस्तों यहाँ पे सर्च है तो यहाँ पे आप सर्च पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही दोस्तों आप यहां सर्च पे क्लिक करेंगे तो ये यहां पे दिखा देगा कि हाँ भाई यहां पे ये इंडिया मैप यहां पे आ जाएगा। ठीक है, अब इंडिया यहां पे आ गया। अब इंडिया में आपको क्या देखना है वो सारा कुछ दोस्तों आपको यहां पे देखना है, या तो दोस्तों यहां पे जैसे मुझे देखना है बिहार, BIHAR बिहार। ठीक है, और एंटर कर दीजिए। मान लीजिए कि मैं वीडियो में बिहार के बारे में पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ये दिखा देगा कि हाँ भाई यहाँ पे ये जो है बिहार है। ठीक है, या मान लीजिए कोई बॉर्डर के बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं या कुछ चीजें कर रहे हैं। तो दोस्तों इस तरह से जो है ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों आप चाहें तो इसको जो है इस तरह से माउस से जो है, माउस का जो व्हील होता है उससे आप स्क्रॉल करके इन चीजों को और भी डिटेल में देख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसके लिए आपका जो इंटरनेट स्पीड है वो थोड़ा सा जो है अच्छा होना चाहिए, तभी दोस्तों आप इसे अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, बाकी दोस्तों यहाँ पे नीचे में आपको कुछ टूल वगैरह दिए हुए होते हैं तो इसे भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। यहाँ पे जो है ये एक सर्च का ऑप्शन है और यहाँ पे देखिए एक प्लेस का ऑप्शन है, बाकी और भी यहाँ पे टूल वगैरह आपको मिलेंगे। ठीक है, तो कई बार दोस्तों यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का रहेगा और बाकी जो टूल है दोस्तों ये सभी चीजें आपको नहीं दिखेगी। तो आपको क्या करना है, ये जो ड्रॉप डाउन है इस पर आपको क्लिक कर लेना है, ये जो है हाइड हो जाएगा। और बाकी यहाँ पे आपको प्लेस देखना है कि आपने क्या क्या सर्च किया है तो वो यहाँ से आप देख सकते हैं। बाकी दोस्तों यहाँ पे कुछ टूल दिए गए हैं तो आप यहाँ से भी जो है एक एक चीज को आप अच्छे से देख सकते हैं। जैसे बॉर्डर यहाँ पे देखिए, ये देखिए यहाँ पे जो है बॉर्डर यहाँ पे इस तरह से दिखा रहा है। ठीक है, अगर आपको ये नहीं चाहिए तो आप यहाँ से क्या करेंगे, इसे अनचेक कर देंगे तो यहाँ पे जो भी चीजें आप सर्च करेंगे बॉर्डर नहीं दिखेगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे और भी चीजें आपको मिल जाता है। जैसे यहाँ पे बॉर्डर पे आप चेक टिक कर लीजिए, यहाँ लेबल आप दिखा सकते हैं, अगर कोई प्लेस है तो उसका नाम अगर आप चाहते हैं तो दिखा सकते हैं। इमेज चाहिए तो दोस्तों आप यहाँ पे इमेज सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों ये सारी चीजें आपको अच्छे से सेटिंग कर लेनी है। ठीक है, इस पे आपको दोस्तों थोड़ा सा जो है प्रैक्टिस करना पड़ेगा, उसके बाद ही दोस्तों आप ये कुछ ये सारी चीजें कर सकेंगे। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों आपको जो है थोड़ा इस सॉफ्टवेयर के साथ फ्रेंडली होना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से जब दोस्तों आप इस सॉफ्टवेयर के साथ फ्रेंडली हो जाएंगे तो आप इसे बड़े आराम से यूज कर पाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों देखिए कुछ टूल दिए गए हैं। ठीक है, ऊपर नीचे करने के लिए। ठीक है, इस तरह से आप इसे जो है ऊपर नीचे घुमा करके इसे अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे ये सारी चीजें दी हुई है।
ठीक है। अच्छा, इसे रिकॉर्ड कैसे करना है ये मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए, अब अगर मान लीजिए कि इसे मुझे OBS से रिकॉर्ड करना है, तो OBS में हम इसे कैसे रिकॉर्ड करेंगे, जैसे यहाँ पे ये OBS है, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए, ये हमारा वर्ड मैप है और ये हमारा OBS है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा जो सोर्स फाइल है, यहाँ पे जो प्लस आइकन है, प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे, यहाँ आ जाता है दोस्तों विंडो कैप्चर, इस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ से दोस्तों आप ओके करेंगे तो ये जो है यहाँ पे आपका कैप्चर होने लग जाएगा। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ से ओके कर देंगे, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, इसे जो है यहाँ से जो है कॉर्नर से पकड़ के इसी साइज को थोड़ा सा कम कर लेंगे, ठीक है, इस तरह से कर लेंगे। और उसके बाद दोस्तों अल्ट की को दबा के रखेंगे और इसको जो है इस तरह से, इतना ही एरिया आपको वीडियो में दिखाना है, तो इस तरह से आप इसे क्रॉप कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद थोड़ा सा हम नीचे आते हैं, उसके बाद दोस्तों अल्ट दबा के इस तरह से जो है आपको नीचे से भी क्रॉप कर लेना है, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों आप इसे यहाँ पे रख लीजिए। अच्छा, आपको ये सब भी नहीं दिखाना है वीडियो में, तो आप क्या करेंगे, अल्ट को दबाएंगे और इसको दोस्तों आप यहाँ से इस तरह से क्रॉप कर लेंगे। ये टूल वगैरह भी दोस्तों आपको वीडियो में नहीं चाहिए, तो आप क्या करेंगे, अल्ट दबाएंगे और इसको दोस्तों इस तरह से यहाँ पे क्रॉप कर लेंगे, ठीक है। इस तरह से ये सारी चीजें आप क्रॉप कर लीजिए। और उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, ये आपका इस तरह से OBS में आ जाएगा। उसके बाद आप इस पे राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पे दोस्तों ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन मिलता है और यहाँ से जाकर के दोस्तों फिट टू स्क्रीन कर दीजिए, ठीक है। और मान लीजिए कि आपको क्या करना है, यहाँ पे प्लस आइकन पे क्लिक कर लेना है और यहाँ पे दोस्तों आपको इमेज ले लेना है, ठीक है। इमेज में जाइए और यहाँ से आप ओके कर दीजिए और कोई भी दोस्तों एक इमेज इसके पीछे लगा दीजिए, ठीक है, ताकि ये जो है अच्छा लगे देखने में। तो यहाँ पे मैं वर्ल्ड अफेयर्स में जाता हूँ और यहाँ से दोस्तों ये वाला मैं इमेज ओपन कर लेता हूँ, ठीक है, और ओके कर देता हूँ। इस पर राइट क्लिक कर लेता हूँ, ट्रांसफॉर्म में आता हूँ और यहाँ से दोस्तों मैं फिट टू स्क्रीन कर लेता हूँ और इस इमेज को दोस्तों मैं क्या करूँगा, इस विंडो कैप्चर के नीचे रख लूँगा, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है, इन दोनों को लॉक कर देना है, ओके। एक तो ये हो गया, अच्छा एक ये हो गया, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से PPT ओपन करेंगे, ठीक है। मैं दोस्तों आपको सारा कुछ बता रहा हूँ कि आप इस तरह की वीडियो कैसे बना सकते हैं और आप इस तरह से ये सारी चीजें कैसे कर सकते हैं। दोस्तों ये PPT कैसे यूज करना है और ये हम कैसे ये सारी चीजें मैनेज कर सकते हैं, इसके बारे में दोस्तों मैंने डिटेल वीडियो जो है बना रखा है, तो दोस्तों आप वो वीडियो देख करके ये सभी चीजें सीख सकते हैं, जान सकते हैं, ठीक है। ये हमारा PPT है, तो दोस्तों आप क्या करेंगे, हाँ यहाँ से हम OBS में आएंगे और यहाँ से दोस्तों PPT के लिए हम जो है यहाँ पे दूसरा सीन ले लेंगे, ठीक है। यहाँ प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है एक नया सीन हम लोग ले लेंगे, ब्लैंक सीन। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ये जो सोर्स का जो यहाँ पे प्लस आइकन है, प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से दोस्तों हम लोग ले लेंगे डिस्प्ले कैप्चर और यहाँ से दोस्तों हम लोग ओके कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद ये सारी चीजें ठीक है और यहाँ से हम ओके कर देते हैं और इस पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से ट्रांसफॉर्म में आएंगे। ट्रांसफॉर्म में आकर के दोस्तों इसे भी दोस्तों हम लोग कर देंगे फिट टू स्क्रीन और उसके बाद दोस्तों हम लोग जो है इससे हम लोग PPT रिकॉर्ड करेंगे, ओके। इस तरह से यहाँ पे जो हमारा PPT रिकॉर्ड होगा और दूसरे सीन में दोस्तों हम लोग जो है वर्ल्ड का मैप दिखाएंगे, ठीक है। यहाँ पे सीन 1 है और सीन 2 है। अब देखिए दोस्तों, सीन को स्विच करने के लिए, ठीक है, यानी कि जब आपको ये वर्ल्ड मैप दिखाना हो तो ये हो गया, ये तो आप इसे इस तरह से जो ऊपर नीचे कर सकते हैं। और मान लीजिए PPT दिखाना है तो यहाँ पे आपको सीन 1 पे जाना होगा और दोस्तों आपको वर्ल्ड मैप दिखाना है तो सीन 2 पे जाना होगा। हाँ, तो दोस्तों इसके लिए आप सेटिंग में जाएंगे, ठीक है, OBS की सेटिंग में जाएंगे। OBS की सेटिंग में जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है हॉटकीज पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे देखिए वर्ल्ड मैप किस में है, सीन 2 में है, ठीक है। तो यहाँ पे सीन 2 में आएंगे और यहाँ पे दोस्तों हम लोग लिख लेंगे 1, ठीक है। इसे दोस्तों हम लोग कर देते हैं 2, ठीक है। सीन को हमने रखा 2 और इसको रखा हमने 1 और यहाँ से दोस्तों हम लोग अप्लाई करेंगे और ओके कर देंगे, ठीक है। जैसे दोस्तों हम लोग देखिए 1 प्रेस करेंगे तो यहाँ पे पावर पॉइंट आ जाएगा और कीबोर्ड पे जैसे हम 2 प्रेस करेंगे तो यहाँ पे हमारा जो वर्ल्ड मैप है, गूगल अर्थ है, वो यहाँ पे रिकॉर्ड होने लग जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये सारी चीजें आप कर लेंगे और उसके बाद दोस्तों आप क्या करेंगे, स्टार्ट रिकॉर्डिंग पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो गया, उसके बाद आप इसे मिनिमाइज कर दीजिए और उसके बाद दोस्तों आप क्या करेंगे, यहाँ से जो है स्लाइड शो को प्ले करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों आपने जो भी वर्ल्ड मैप के बारे में या इन सभी चीजों के बारे में जो आपने वीडियो आपने जो भी क्विज बना रखा है, जो भी चीजें आपको एक्सप्लेन करना है उससे रिलेटेड दोस्तों यहाँ पे ये सवाल वगैरह रहेगा, ठीक है।
और इसे हम एक्सप्लेन करने के लिए जो है जैसे स्पेस की दबाएंगे तो इसका जो भी सही आंसर है यहाँ पे ये आ जाएगा। उसके बाद मान लिया जाए कि आपको इसके बारे में कुछ तथ्य या कुछ एक्सप्लेनेशन देना है तो वो दोस्तों यहाँ पे पीपीटी रहेगा, तो ये सारी चीज़ें आप इसे एक्सप्लेन करेंगे। आपको यहाँ पे कुछ भी लिखना है तो दोस्तों आप अल्ट टैब से जो है आप इस तरह से जो है पीपीटी पे ड्रॉ करके आप इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है कि उससे रिलेटेड जो भी आपका सवाल है उससे रिलेटेड अगर आपने कोई आर्टिकल या कुछ भी चीज़ें एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। उसके बाद आता है कि अब मैं इसे या इस बात को जो है वर्ल्ड मैप पे कुछ एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, तो इसके लिए दोस्तों आप अल्ट टैब दबाएंगे। ठीक है, इस तरह से आप यहाँ पे पीपीटी पे हैं और उसके बाद जैसे आप अल्ट टैब दबाएंगे तो यहाँ पे वर्ल्ड मैप पे आ जाएंगे और यहाँ पे दोस्तों आप जो भी चीज़ें एक्सप्लेन करना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पे मुझे कुछ और दिखाना है, जैसे तानिया पे क्या है नहीं है या कोई जगह है वो मुझे दिखाना है, यहाँ पे हम लोग क्लिक यहाँ पे लिख लेंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे। तो जो भी चीज़ें दोस्तों आप यहाँ पे सर्च करेंगे तो वो चीज़ें यहाँ पे हमारा दिखाएगा और वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड होगा। ठीक है, और इसके बारे में दोस्तों आपको जो भी चीज़ें एक्सप्लेन करनी है जो भी चीज़ें करनी है तो दोस्तों आप इस तरह से ये करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये सारी चीज़ें होगा और बाकी आप इसे जितना जूम करना चाहें, आप रोड है मैप है या कुछ भी है, ठीक है, आप उसे हाईलाइट करना चाहते हैं तो दोस्तों आप अल्ट प्रेस करके जो है उस चीज़ को उस जगह को उस एरिया को जो है आप हाईलाइट कर सकते हैं। ठीक है, हो सकता है कि दोस्तों ये जो है सही से नहीं दिख रहा है तो इसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ से देखिए मैं इन सभी चीज़ों को हाइड करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो सेटिंग है दोस्तों यहाँ पे आपको हर एक चीज़ को क्या करना होगा, थोड़ा सा मैनेज करना होगा। ठीक है, आपको इसे 3D में दिखाना है नहीं दिखाना है ये आप कर सकते हैं, गैलरी, तो यहाँ पे दोस्तों बहुत सारी सेटिंग है तो ये सारी चीज़ें दोस्तों आपको करना होगा। ठीक है, कि क्या क्या आपको दिखाना है क्या नहीं दिखाना है, कुछ विकिपीडिया से कुछ दिखाना है, ये सब चीज़ें करना है। तो ये सारी सेटिंग जब आप कर लेंगे और उसके बाद जब इसे आप यूज करेंगे, ठीक है, तो दोस्तों ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से दिखेगा। ठीक है, एक बार ही दोस्तों आपको ये सारी सेटिंग कर लेना है। ठीक है, यानी कि आप किस तरह से चीज़ों को एक्सप्लेन करना चाहते हैं, क्या क्या वहाँ पे शो होना चाहिए। ठीक है, आप ये बिल्डिंग वगैरह आप नहीं चाहते हैं तो दोस्तों आप यहाँ से जो है इन सभी चीज़ों को जो है हाइड कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि आपको जो है सिर्फ मैप दिखाना है या सिर्फ रोड दिखानी है या बॉर्डर दिखानी है तो वो सारी चीज़ें दोस्तों यहाँ पे टूल से आप मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद आप यहाँ पे जो भी चीज़ें सर्च करेंगे, ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ गोल घर और यहाँ से मैं एंटर कर देता हूँ या तो यहाँ से मैं सर्च कर लूँगा, यहाँ पे ये सारी चीज़ें यहाँ पे ऑटोमेटिक शो हो जाएगा। इसके बारे में दोस्तों आप डिटेल में बता सकते हैं, बात कर सकते हैं, इस आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, और कहाँ पे रोड है क्या है तो दोस्तों आप यहाँ पे जो है पेन टूल से यहाँ पे हाईलाइट कर सकते हैं कि यहाँ पे ये एरिया है वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये दोस्तों आपको अच्छे से नॉलेज है तो ये सारी चीज़ें आप खुद से कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों आप जो है पीपीटी को भी रिकॉर्ड करेंगे और इस तरह से दोस्तों आप जो है अल्ट टैब दबा करके जो है वर्ल्ड मैप पे आ जाएंगे। जैसे अभी मैंने अल्ट टैब दबाया तो यहाँ पे मैं आ गया हूँ पीपीटी में। ठीक है, तो अब मैं दूसरा सवाल लूंगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों मैं इस सवाल के ऊपर डिस्कस करूंगा। ठीक है, इस तरह से ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। उसके बाद जैसे स्पेस की दबाएंगे उसके बाद इसके बारे में जो भी उसके बाद दोस्तों इसके बारे में जो भी एक्सप्लेनेशन है जो भी चीज़ें आपको समझाना है यहाँ पे लिखा हुआ है तो इन सभी चीज़ों को दोस्तों आप बारीकी से जो है एक्सप्लेन कर सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। कुछ लिखना है तो ग्राफिक पेन टैबलेट की मदद से दोस्तों आप यहाँ पे पीपीटी पे लिख लिख करके पढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब आपको अगर वर्ल्ड मैप दिखाना है तो दोस्तों अल्ट के साथ टैब दबाएंगे तो यहाँ पे वर्ल्ड मैप पे आ जाएंगे और उसके बाद मान लीजिए कि आपको यहाँ पे जो भी जगह सर्च करनी है तो वो आप कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे अपना शहर सर्च कर लेता हूँ भागलपुर, भागलपुर बिहार, यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ और यहाँ से मैं सर्च पे क्लिक कर लेता हूँ। तो जैसे यहाँ पे मैं सर्च पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे इस तरह से मैप में ये सारी चीज़ें दिखा देगी। ठीक है, और बाद में दोस्तों जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो जाएगा, ये वीडियो हमारा बन जाएगा, देन दोस्तों आप एडिटिंग के समय थोड़ा सा आप अपना कमाल दिखा सकते हैं। ठीक है, जो भी गलत चीज़ें हैं वो आप एडिट वगैरह कर देंगे तो बहुत ही अच्छा वीडियो दोस्तों आप इस तरह से बना सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से जो है ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं और इसी तरह से दोस्तों वो सर भी करते हैं। ठीक है, तो ये दोस्तों मैंने जो है एक मोटा मोटा जो है बेसिक सी चीज़ें जो थी वो हमने इस ट्यूटोरियल में बता दिया है। दोस्तों अगर आपको गूगल अर्थ प्रो का कंप्लीट ट्यूटोरियल चाहिए एकदम बिल्कुल अच्छे से बारीकी से हम इसे आपको सिखाएं तो दोस्तों आप इसके बारे में हमें कॉमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों आप लोग हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं कि आपको गूगल अर्थ प्रो सॉफ्टवेयर का कंप्लीट ट्यूटोरियल चाहिए या नहीं चाहिए। ठीक है, तो इस वीडियो में दोस्तों मैंने जो भी चीज़ें हैं मैंने बेसिक सी चीज़ें बताई है कि कैसे क्या करना है और ये सारी चीज़ें कैसे होती है।
ठीक है। और ये पीपीटी के बारे में दोस्तों, अगर आपको कोई आइडिया नहीं है तो ये पीपीटी कैसे बना सकते हैं, ये सारी चीज़ें कैसा हुआ है, ये सारा कुछ दोस्तों मैं ऑलरेडी जो है इसके पार्ट वन में मैं सारा कुछ बता चुका हूँ, तो वो वीडियो भी दोस्तों आप जाकर के देख सकते हैं। तो आई होप दोस्तों कि ये वीडियो, ये ट्यूटोरियल आपको पसंद आया होगा। अगर दोस्तों ये वीडियो, ये ट्यूटोरियल आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें। दोस्तों अगर हमारे एडटेक मित्रा यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाए। तो चलिए दोस्तों, मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।